हरे कृष्ण। सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि ये जो आज जो जन्माष्टमी पड़ रही है वो एक्चुअली जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पे जब उनका प्राकट्य हुआ था तो वो भी आज ही का दिन था, बुधवार, और साथ ही साथ रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए थे। और आज भी वही देखिए, सेम बुधवार है और साथ ही साथ रोहिणी नक्षत्र चल रहा है। तो इस अनुसार से जन्माष्टमी आज बहुत ही, मतलब कि जो भी आज जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बहुत ही फॉर्चुनेट हैं। जैसा कि बृहद पुराण में भी बताया गया है कि अगर कोई जन्माष्टमी आज के दिन अगर कोई जन्माष्टमी पर्व को मनाता है तो उसे 20,000 करोड़ जो एकादशी है उसके व्रत का फल मिलता है। तो इस कारण से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, भक्त लोग इतने धूमधाम से सजा रहे हैं कि भगवान का 12 बजे जब मिडनाइट में जब भगवान आने वाले हैं तो उनकी अभी से तैयारी की जा रही है। क्या लगता है कितने लोग अभी लॉकडाउन के चलते, अभी जो कोरोना के चलते क्या तैयारी है, कैसे लोग आएंगे तो उनको अपना अरेंज करने में? एक्चुअली इस बार लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने का हमने प्लान किया है। तो हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी डिवोटीज ग्रुप हैं, तो उन सब में हमने ये पोस्टर बना करके ऑनलाइन सबको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें उतना ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमें इस जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करना है। जो कि हमारे ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाया है उसे हमें ब्रेक नहीं करना है, बल्कि उस रूल के तहत ही जो हमारा पर्व है, जो हमारे फेस्टिवल आ रहे हैं उसे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेनली जो भी लोग हैं वो ऑनलाइन ही इस फेस्टिवल में कनेक्ट होंगे।